बागली नगर का एकमात्र शासकीय महाविद्यालय जहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सोमवार के दिन स्वर्गीय कैलाश जोशी शासकीय महाविद्यालय बागली में विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री रवि गुर्जर, महाविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को अपने हक की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सभी छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। हम आपको बता दें कि वर्तमान में उक्त महाविद्यालय बदहाल स्थिति के दौर से गुजर रहा है, जहां पर सुचारू रूप से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साफ सफाई सहित ऐसी कई समस्या है जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन किया है, उसमें हमारी मांगे हैं जैसे कि कॉलेज में असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, स्टूडेंट जो आते हैं उनके द्वारा ही कॉलेज की टेबलों को साफ किया जाता है और साफ सफाई की जाती है, कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। और हमारे जो प्राचार्य हैं पीके चतुर्वेदी सर, उनसे हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ के और बात को ख़त्म कर देते हैं। और हम बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं, ज्ञापन दे दे के हम पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और आज हमने इसलिए ये कदम उठाया, धरना प्रदर्शन किया है। अभी हमने धरना प्रदर्शन किया, SDM साहब, तहसीलदार साहब आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। यदि समस्या हल नहीं होती तो क्या होता है? यदि समस्या को हल नहीं किया जाता है तो हम सभी छात्र TC निकालो आंदोलन करेंगे और हम सभी यहाँ से TC निकाल कर एडमिशन लेना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।